हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये छोले। ऑयल गर्म होने के बाद हम पहले उसकी गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे एंड देन फिर इसमें डालेंगे प्याज की प्यूरी और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और हल्का सा जब ये प्याज पकने लगे और इसका जब पानी सूख जाए तभी इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक और लहसुन का पेस्ट। जब ये मसाला नीचे लगने लगे तभी हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छे से उसके अंदर और अच्छे से भून जाए। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है और जैसे ही आपका ये मसाला नीचे लगने लगेगा आप इसमें थोड़ी थोड़ा पानी ऐड करेंगे तो वो भूनने में आसानी रहेगी, अच्छे से आपका मसाला भुनेगा। तो जैसे ही वो नीचे लगने लगे आप थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर दीजिए। एक्चुअल में सबसे ज्यादा टाइम बस ये मसाला बनाने में ही लगता है और स्पेशली ये प्याज को भूनने में। जितना अच्छे से हम प्याज भूनेंगे उतना ही टेस्टी हमारा छोले या जो भी हम वेजिटेबल बनाते हैं उसके लिए मसाला अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। तो इसको अच्छे से आप भून लीजिए। इसको भूनते भूनते ऑलमोस्ट मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आई थिंक इसको 4 से 5 मिनट और लगेंगे अच्छे से भूनने में। किसी का भी दिल जीतने के लिए आप जितना प्यार इस मसाले को देंगे उतना ही प्यार आपको जिंदगी में मिलेगा। कहते हैं किसी का दिल जीतना हो तो दिल का रास्ता पेट से होता है। आप देख सकते हैं इसका ऑलमोस्ट कलर चेंज हो चुका है और ये हार्डली 1 मिनट और इसको लगेगा पूरे अच्छे तरह से पकने के लिए। आप देख सकते हैं सी इसका पूरा कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी और ये मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने 4 बड़े बड़े टमाटर लिए थे जिसकी मैंने प्यूरी बनाई है। और जब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालूंगी उसी वक्त मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। आप चाहें तो छोले उबालते वक्त भी उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया एंड देन थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी हल्दी देन फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चना मसाला। मेरे पास अनारदाना नहीं है, अगर आपके पास अनारदाना हो तो आप इसमें थोड़ा सा अनार डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। या फिर आप इसमें डाल सकते हैं अमचूर, तो मेरे पास अमचूर भी नहीं है फिलहाल। 2 चम्मच चाय पत्ती और 2 कप पानी में हमने ये अच्छे से उबाल लिया है। अभी इसके अंदर मैंने जो चाय पत्ती का पानी उबाला था वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और अब इसमें हम डालेंगे छोले जो कि मैंने ऑलमोस्ट 24 आवर्स भिगोने के बाद 5-6 सीटी लगा के उबाल लिए हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने उसके अंदर छोले और मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाला है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा मार्केट जैसा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, तो ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है मैंने और मैं इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी हम इसको थोड़ी देर उबलने देंगे और आप चाहें तो इसमें एक सीटी और लगा सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके छोले अच्छे से घुले नहीं तो आप एक चीज कर सकते हैं, थोड़े से छोले लेके आप उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करने से जो ग्रेवी होती है वो और अच्छे से मिक्स हो जाती है। मैंने अच्छे से घोल लिए और अब मैं इसको छोले के अंदर डालने जा रही हूँ। मेरा ऑलमोस्ट छोले रेडी है, बस हम इसके लिए बढ़िया सा तड़का रेडी करने वाले हैं। आप चाहें इसके ऊपर तड़का लगाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी।
ओपन करके थोड़ा सा इसको गरम करके एंड मेरे जो छोले हैं उसमें डाल दूंगी। इसको छोले में ऐड कर दूंगी। ये हमारा ऊपर से रेडी, अभी हमारे छोले रेडी हो गए। मैं तेज पत्ता डालना भूल गई थी और मुझे थोड़ा सा हींग कम लगी, तो मैंने एक चम्मच हींग और थोड़ा सा तेज पत्ता लिया है और इसको अच्छे से करके मैं थोड़ी सी हींग ऐड कर दूंगी। अदरक, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग एंड थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, हरी मिर्च,